अपने शेड्यूल से, इतना बिजी शेड्यूल था, उससे टाइम निकालकर आई हैं हमारे मध्य, और हमारे मध्य है हमारी मीठी सिस्टर शहनाज गिल, जो इस कैंपेन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर है। इनका जोरदार तालियों से, बहुत जोरदार तालियों से दिल से स्वागत करते हैं। आपने बहुत स्नेह से इस निमंत्रण को स्वीकारा है, और जितना हमने आपको करीब से जाना है, सचमुच आप इस कैंपेन को बहुत आगे ले जा सकती हैं, और अपने माध्यम से पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं सारे विश्व में, इस कैंपेन का जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं शहनाज गिल, हमारी मीठी बहन, आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप अपना एड्रेस हमारे सामने रखें। ओम शांति। मेरा नाम शहनाज गिल है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, बट अगर मैं बोलूं कि मैं एक आत्मा हूँ, सोल हूँ ना मैं अंदर से, तो फिर मुझे लगता है मैं सबको जानती हूँ, आप भी मेरे को जानते हो, तो हम सब सेम सेम है। ओके ओके। सो मेरा ना हमेशा से बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे के मतलब काउंट नहीं कर सकते तुम लोग, इतने ड्रीम्स है। तो मैं हमेशा जब भी ड्रीम सोचती हूँ ना, तो मैं अफर्मेशंस डालने में बिलीव करती हूँ। तो मैंने ना बहुत सारे अफर्मेशंस डाले हुए, बट मेरे को ये भी मैंने डाला कि मुझे ना किसी चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो मेरे को जब ये पोस्टर रिलीज हुआ, शहनाज गिल एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो ये लोग ये भी लिख सकते थे चीफ गेस्ट और भी कुछ, है ना। तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों लिखा, देख लो, मजबूर कर दिया ना भगवान ने इनको। तो भगवान ने ये बोला कि पहले तू मेरी ब्रांड एम्बेसडर बन और मेरे लिए कोई अच्छा कार्य कर, फिर तुझे बहुत कार्य आएंगे आगे। तो मारो ताली, तब मार लो। तो आज मुझे भगवान ने कहा तू मेरे लिए सेवा कर, तो आज मैं आप सबके सामने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला बोलने का, सोचो, आई एम सो लकी। तो आज का जो मेरा है, मैं खुद भी एक लड़की हूं, तो एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये मेरे दिल के करीब है ये टॉपिक बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूं। सारे लड़के जोर जोर से लड़कियों के लिए पहले तालियां बजाओ। अब मैं ना अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपनी लाइफ का, बोर मत होना, ठीक है। तो जब मैं पैदा हुई थी ना, सच बोल रही हूं, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा ने ना गांव में लड्डू बांटे थे कि कितनी क्यूट सी लड़की पैदा हुई है, बहुत प्राउड फील किया मेरे पे। अच्छा रुको, भूल ना जाए, मेरे को बोलने दो। तो फिर उसके बाद जैसे छोटे होते हैं तो दादी मेरी, हमारी ना दूध पीने वाली बॉटल होती है ना, तो मेरी और मेरे भाई की दो बॉटल्स थी अलग अलग, बट हमारी जिद होती थी कि हमें सेम बॉटल में, एक ही फेवरेट होती थी हम दोनों की, हमें जिद होती थी कि हमें यही वाली बॉटल में दूध पीना है। तो मेरी दादी ने क्या करना, चोरी चोरी पहले सुबह उठते ही मेरे को दूध देना वही बॉटल में, उसके बाद मेरे भाई को देना। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मतलब मेरी दादी पहले मुझे मतलब दूध दे रही है, उसके बाद उसको दे रही है। तो कितनी, यहाँ भी मैं लकी हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाई को ना इंग्लिश मीडियम भेज दिया पढ़ने के लिए। तो मुझे भी था कि मुझे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, चाहे मुझे इंग्लिश कम आती है, बट जिद थी कि मुझे भी सेम स्कूल पढ़ना है। तो उसने मेरी मॉम मेरे, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मेरी मॉम को काफ़ी लोगों ने बोला कि रहने दो कोई ना, क्यों इतना पैसा लगा रहे हो, इसी मतलब इधर ही पढ़ा लो कहीं। तो मेरी मॉम ने कुछ भी करके मुझे सेम स्कूलिंग कराई है जहाँ पे मेरे भाई की स्कूलिंग हुई है, तो हमें सेम ट्रीटमेंट मिला।
मेरी स्टोरी, क्योंकि मेरे घर पे मेरी दादी, बुआ, मासी, एवरीवन स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, हाँ स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, तो उन्होंने मेरे को भी स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन हर घर में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती बच्चों को। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, दिल पे मत लेना, बट कहीं कहीं किसी किसी घर में नहीं मिलता सेम ट्रीटमेंट। लड़कों को ऐसा समझा जाता है, लड़कों को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं कि ये लड़का है, अच्छा ये बेटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, बहन को प्रोटेक्ट करके रखेगा, लड़का है तो ये पहले खाना खाएगा, देसी घी, सब कुछ इसको ही मिलता है, क्योंकि बड़ा फिजिकली इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि इनको लगता है कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। सेल्फिश होते हैं ना, सेल्फिश मोटिव के चक्कर में कि हमारा सहारा बनेगा। लड़की को हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है और बोला जाता है तेरा सिर्फ इतना ही दायरा है, तू इधर घर के बाहर मत जा रात को, रात को घर के बाहर जाना तेरे लिए सेफ है। हम लड़की को ये बोलने की बजाय कि घर के बाहर जाना रात को सेफ है, हम अपने हर माँ बाप अपने बेटे और बेटे को ये क्यों नहीं सिखाता कि हर लड़की की इज्जत कर, कि वो तेरी प्रेजेंस में सेफ और प्रोटेक्टेड फील करे। हमें हर बच्चे को, चाहे वो बॉय चाइल्ड हो चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, दोनों को सेम परवरिश देनी चाहिए। हमें हमारा शुरुआत जो होता है ना वो घर से होता है। अगर तुम अपने बच्चे को हस्बैंड वाइफ है, दोनों अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं उनके सामने, तो लड़का ये सीखेगा कि लड़की की मुझे कितनी इज्जत करनी है। तो अगर लड़की ये सीखेगी कि मुझे लड़के से इतनी इज्जत चाहिए, तो ये सब कुछ ना तुम्हारे घर से स्टार्ट होता है। तुम बाहर का सारा एनवायरनमेंट का ठेका मत लो, सबने मतलब हम बाहर का सुधार करेंगे, बाहर का पहले अपने आप का सुधार करो, अपने घर से शुरुआत करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप, उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट है खुद पे खुद चेंज होगा। ट्रस्ट मी, हम सारा दिन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में सोचो और खुद के बच्चों को अच्छी परवरिश दो कि वो कल को समाज में अच्छा कुछ अचीव कर सके। यहाँ पे टीचर्स भी बैठे हैं, राइट? तो मैं टीचर्स को ये बोलूँगी कि आपको आपके हाथ में है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है? आपको अच्छा ज्ञान देना है उनको कि अगर बच्चा आपके मे भी नाम से नहीं जानेगा आपको, आपके आपका नाम क्या है, आपने कैसे लगते थे आप देखने को, बट आपका ज्ञान वो हमेशा याद रखेगा और हमेशा यूज करेगा आगे जाके। तो मैंने मेरी टीचर्स देखी थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरे टीचर्स आते थे, हमें डर लगता था टीचर से, अरे आज मारेगी, इसका मूड सही नहीं है, क्योंकि वो घर से आके बच्चों पे गुस्सा निकालती थी कई टीचर्स, सबकी बात नहीं कर रही, बट ठीक है। तो हम टीचर्स की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को, उन्होंने ज्ञान देना होता है, अपना जॉब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहिए हमेशा लाइफ में, कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, जब तुम जॉब पे आते हो ना तो फिर वो तुम अपना कॉन्फिडेंस वेयर कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर के गुस्से घर छोड़ के आओ, ये जब तुम मतलब स्कूलिंग करवाते हो बच्चों को, तो तुम्हें हमेशा जैसे अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट करते हो, वैसे दूसरे के बच्चों को भी वैसा ही ट्रीटमेंट दो और उनको ज्ञान दो और प्यार से उनको, चाहे बच्चे हर, मेरे को पता है डिफिकल्ट है, इजी नहीं है हर बच्चे को मतलब डांटना, हम डांटते हैं बच्चों को और बिगाड़ते हैं, अगर हम हर बच्चे को प्यार से वो करेंगे, अच्छा ट्रीट करेंगे, तो हर बच्चा देखना घर जाके आपका ही सब्जेक्ट पढ़ेगा कि यार ये तो मेरी टीचर फेवरेट है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यार करती है, मैं इसका ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो अगर गुस्से वाली टीचर होती है ना, तो मैं ऐसी थी, मैं इसका तो पढ़ना ही नहीं है, चाहे ये मारे चाहे कुछ भी करे, इसका पढ़ के जाना ही नहीं है मुझे। तो अपने बच्चों का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, पॉजिटिवली उनको ज्ञान दिया जाए, मैं तो यही बोलूंगी। अच्छा हाँ, और परवरिश बच्चों को अच्छी दो, ठीक है, क्योंकि
अगर परवरिश अच्छी होगी, अगर लड़की को, प्लीज लड़की को ना डीमोटिवेट मत करो कि ये लड़की है, अरे तू ये कपड़े ऐसे डाल सकते, ये कपड़े ऐसे नहीं डाल सकते, ये कर सकते, ये, अरे क्यों तुम सब, तुम्हें ये मत, तुमने लड़कियों को वीक तुमने बनाया है, ठीक है ना, किसी और ने नहीं बनाया। तुम मेरे को कई बार शाबाश मिलती थी, शाबाश बेटा तू तो मेरा ये लड़की तो हमारी लड़कों जैसी है। अरे हमें लड़का बोल के इंसल्ट क्यों किया जा रहा है, हम तो लड़की है ना, तुम हमें वीक क्यों बना रहे हो। तो लड़कियों को ना वीक मत समझो, सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, पता नहीं किसने कैसा निकलना है, किसने कैसा निकलना। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुमने अच्छा सिखाया होगा ना, तो तुम्हें सुख बेटा भी दे सकती है और बेटी भी दे सकती है। लड़कियों को सॉफ्ट, डेलिकेट, है ना, इनोसेंट बोलना बंद करो, हम बेचारियां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लड़कियों के ना पंख काटने बंद करो, उनको क्या पता कितनी बड़ी उड़ान भरनी है, किसी को शिवानी बहन बनना है, किसी को कल्पना चावला बनना है, किसी को प्रियंका चोपड़ा बनना है ना, कितनी एग्जांपल्स है। पता मैंने अपनी एग्जांपल क्यों नहीं ली है, क्यों? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि शहनाज गिल बन चुकी है, वो एक ही पीस था, वो भगवान ने बना दिया है। इतना कॉन्फिडेंस है ना मेरे में, मैं बता नहीं सकती। देखो, मिस्टेक्स हर कोई करता है लाइफ में, मैं तो करती हूँ, ठीक है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें लगे कि मैं परफेक्ट हूँ, गलतियाँ मेरे से भी होती है, और हाँ मैं गलतियों को इम्प्रूव करती हूँ और गलतियों से सीखती हूँ। मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई गलती होगी, मैं भगवान को ब्लेम नहीं करती, बाबा आपने मेरे से अच्छा नहीं किया, मेरे से ये गलती करवा दी, भगवान ने थोड़ी की है, तूने खुद की है। बट भगवान को मैं हमेशा उस गलती के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ, बाबा आपने मेरे से ये गलती कराई ना, थैंक यू, अगर आप मेरे से ये गलती ना कराते ना, तो मुझे शायद समझ ना आती। मैं फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हो, अभी दिया पड़ा है, मुझे बहन बोल रही है कि ये दिए को हाथ मत लगाना, ये गर्म होता है, जल रहा है ना तो गर्म होता है। तो मैंने, अच्छा मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, उसको हाथ लगा के देखा, इनको गर्म लगा, बट मैंने थोड़ी लगाया, मैं तो एक बार लगा के देखूंगी, है ना। तो जितनी देर मुझे, मेरे नहीं हाथ लगा, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, मेरे को नहीं रियलाइज हुआ। तो इट्स ओके, कई बार लोग सक्सेसफुल होते हैं किसी की बात सुनने में, सुननी चाहिए, जो के कई बार हमें हमारे बड़े जो है अच्छा गाइड करते, हमें सुननी चाहिए, बट कई बार कई लोग नहीं सक्सेसफुल होते, कई लोगों को ठोकरे, कहते ना बादाम खा के अकल आती है, बादाम बदूम खा के अकल नहीं आती, ठोकरे खा के अकल आती है। हमें ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज हमें हरा नहीं सकती, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। फिजिकल तो सारे जिम कर रहे हैं सब कुछ, बट मेंटली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी है, आई लव यू टू, मैं शहनाज गिल हूं, ये तो मुझे आइडेंटिटी दी गई है कि मैं शहनाज गिल हूं। जब मैं पैदा हुई, मैं तो एक आत्मा थी, मेरे परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में भेजा था, ठीक है। बट जब मैं इधर आई, मुझे बोल दिया गया तू शहनाज गिल है, ये तेरे मॉम है, ये तेरे डैड है। आगे थोड़ी सी और बड़ी हुई, मेरे को पता है ये तेरा भाई है। आगे और बड़ी हुई, मेरे को मेरी जॉब पता चली कि मैं एक्ट्रेस हूं, ठीक है। बट अगर मैं ये दिल पे लगा लूं कि मैं एक्ट्रेस हूं, मेरे पे ना कल को मेरे पास काम नहीं रहा ना, तो मेरे पे बोझ बन जाएगा, डिप्रेशन में चली जाऊंगी मैं। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं तो सोल हूं, यहां पे अपनी स्कूलिंग करने आई हूं, तो आई स्वेयर अगर तुम ये सोचोगे ना आई एम सोल,
तो तुम कभी जिंदगी में अपनी अपने नाम के साथ अटैचमेंट नहीं होगी तुम्हें भी, क्योंकि जो अटैचमेंट है ना, जो अटैचमेंट है ना वो हमेशा हर्ट करती है। लव जो है ना वो प्योर होता है, तो लव में तुम कभी भी रोते नहीं हो। और लव तुम्हें पता कौन करता है? सिर्फ परमात्मा। और कोई भी तुम्हारे यहाँ पे जितने भी रिश्ते हैं ना, चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड है, चाहे वो तुम्हारा भाई है, कोई भी, ये सब टेम्पररी है, यहाँ ही रह जाने हैं। सच्चा मोहब्बत, हम भाई सारा दिन सच्चा मोहब्बत करना है ना तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ लो। मेरा अगर सच में किसी ने कनेक्शन जोड़ा है ना बाबा, मेरे को सच में स्ट्रॉन्ग किया है किसी ने, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रही बट ये दिल से बात कर रही हूँ, मेरे पीछे जो मेरी सपोर्ट बन के खड़े वो ब्रह्मा कुमारी से। मुझे यहाँ से ज्ञान आया है, मैं शिवानी बहन को बहुत सुना है, बहुत ज्यादा सुना है। और मेरा ये भी था कि मुझे शिवानी बहन के साथ कब मिलूंगी मैं। फाइनली मैं कितनी बार मिली, आई मीन फेस टू फेस, वीडियो कॉल भी कर लेती हूँ मैं तो अब तो मेरे बहुत, बाबा तो मेरे फ्रेंड है ही, बाबा से तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। बट तुम्हें एक अच्छा एंजल टाइप सोल भी चाहिए होता है, जो तुम्हें कई बार तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता तो तुम्हें वो प्रोटेक्ट करे, तुम उससे अपनी हर बात शेयर करे। तो मैं शिवानी बहन को कॉल कर लेती हूँ। और आपको पता है मुझे ज्ञान किसने दिया है? ये ब्रह्मा कुमारी का। हर्षा बहन है मेरे सामने बैठे हुए, हर्षा बहन प्लीज स्टेज पे आओ एक बार, आज प्लीज प्लीज आओ ना, अपना ही घर है। तो इन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जो भी मैंने सीखा है हर्षा बहन से सीखा है। तो ये है मेरे टीचर, क्योंकि ये टीचर बहुत ही प्योरिटी के साथ सिखाते थे मुझे, तो इसलिए मुझे इन्होंने, उधर ही बिठा दो ना, यहाँ जगह नहीं है। मेरे को दिखाना था कि ये मेरे टीचर है, ठीक है। तो आपको किसी को भी स्पिरिचुअल जर्नी, हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को भी, चाहे तुम स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे तुम जॉब पे जाते हो, अगर तुम अपने साथ स्पिरिचुअल जर्नी ऐड कर लोगे ना, मम्मी कसम कोई भी तुम्हें हैरान नहीं सकता, कुछ भी बोली जाए फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे देखो, मैं इतनी स्ट्रांग हूं ना कि मैं किसी भी सिचुएशन के साथ डील करना है ना, मेरे से टीचिंग ले लो। इतनी स्ट्रांग लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, वो शहनाज गिल है। और मैं आपको पता है एक बात शेयर करूं, मैं ना जब मुझे कुछ, मैंने हमेशा, मेरे को ना बहुत फेथ है अपने आप पे, बहुत ज़्यादा फेथ है। और मैं ना, मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना कि मैंने, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले मुझे एक्ट्रेस बनने के लिए, कहते हैं बैंक में नौकरी कर, आईपीएस बन, कहाँ पढ़ूंगी मैं इतना, मेरे से हर, देखो हमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पे मत जाना, क्योंकि मेरे को तो एक्ट्रेस बनना था ना, एक्ट्रेस को भी पढ़ना चाहिए, बट मेरा बहुत ज़्यादा ही शौक था। मैं शुरू से डांस एक्टिंग शीशे के आगे मैं यही करती रहती थी। ज्ञान बहुत ज़रूरी है लड़कियों, ज्ञान लो, पढ़ाई करो, अगर तुम ज्ञान अच्छा करोगे ना तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और तुम्हें भी कहीं बाहर जाओगे ना तो तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी कल को। ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सबको ज्ञान, पहले स्कूलिंग करो। और ना जब तुम स्टडी करते हो रट्टे मत मारो, स्टडी करनी है, ये सोच के मत करो कि मुझे बस पढ़ना है, मुझे बस होमवर्क करना है, दैट्स इट। मुझे होमवर्क करना है बट दिल से करना है, कि मेरे को ये ना बुक्स में ना रह जाए, ये मैं साथ में दिमाग में मेरे वो हो जाए कि कल को मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ये ज्ञान यूज अप्लाई करना सीखो। अब जैसे मैं हूँ, हाय मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही है, नहीं बोलिए बोलिए, ठीक है। तो मैं ना अप्लाई करती हूँ ज्ञान को, ज्ञान मैंने सीखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अप्लाई नहीं कर रही लाइफ में, मैं हर एक चीज़ जो सीखी हुई अपनी टीचर से, मैं हर एक चीज़ को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि